हेलो फ्रेंड, मैं प्रदीप एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कटिंग ट्रे के बारे में। मतलब कटिंग आप कैसे ग्रो कर सकते हो बहुत ही आसानी से, बिना किसी खाद, कोकोपीट और मिट्टी का इस्तेमाल किए हुए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है और फरवरी के एंड से प्लांट्स की कटिंग की जाती है, तो कौन कौन से प्लांट्स कैसे आप ग्रो कर सकते हो उसके बारे में मैं आज इस वीडियो पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हो ये है मेरे कटिंग ट्रे। दो कटिंग ट्रे है मेरा, बहुत पुराना कटिंग ट्रे है। मैं ऑलरेडी एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि मैं कैसे कटिंग ग्रो करता हूँ। मैं सोचा क्यों ना एक बार आप लोगों के साथ दोबारा शेयर की जाए, क्योंकि मैं देखिए इस साइड पे एक नया कटिंग ट्रे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी थर्मोकॉल के डिब्बे है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स है वो जानते होंगे कि मैं कटिंग सिर्फ सैंड के अंदर ग्रो करता हूँ। तो जैसे कि देखिए ये है थर्मोकॉल के डिब्बे। थर्मोकॉल के डिब्बे के अंदर मैं सिर्फ सैंड यूज कर रहा हूँ कटिंग लगाने के लिए। सैंड में कटिंग बहुत ही अच्छे से लग जाता है क्योंकि रूट्स बहुत ही अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। और थर्मोकॉल के अंदर लगाने से बाहर की टेम्परेचर अंदर नहीं जा पाते हैं और इससे कटिंग्स आपके खराब कम होते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी टेक्निक है। इस तरीके से आप कोकोपीट, सॉयल और खाद के बिना भी आप कटिंग लगा सकते हो। तो इस साइड पे मेरे जो पुराने कटिंग की ट्रे है इसमें अभी मैं नए से कटिंग नहीं ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो ये कटिंग की ट्रे बनाया था वो 2 से 2.5 साल के ऊपर हो चुका है। तो मैं इसमें मेरे जितने सारे प्लांट्स अभी लगे हैं सभी कटिंग्स मेरे सक्सेसफुली लग चुके हैं, रूटिंग्स हो चुके हैं। तो आने वाले फरवरी में मैं इस सभी प्लांट को यहाँ से निकाल कर पॉटिंग कर लूंगा और मेरे कटिंग ट्रे को, कटिंग ट्रे के अंदर जो सैंड है इसको निकाल कर मैं नए से सैंड इसमें फिलअप करके दोबारा इसमें कटिंग लगाऊंगा। तो इसलिए मैं अभी इसमें किसी प्रकार नया कटिंग्स नहीं लगा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे जो ये कटिंग की ट्रे है इसमें बहुत सारे कटिंग्स लगे हुए हैं। यहाँ पर है इग्जोरा की कटिंग, ये शायद येलो वेराइटी है, ये भी लग चुका है। यहाँ पे एक हिबिस्कस के व्हाइट वेराइटी है, ये लग चुके हैं। पीछे की साइड पे एक रोज कटिंग है, ये भी लग चुका है। देखिए नए नए ऐसे लीव्स निकल रहे हैं प्लांट पे। और मैं एक हरसिंगार की कटिंग लगाया था, ये देखिए यहाँ से ये रूटिंग हो चुका है और नए से स्टेम्स निकल रहे हैं। मतलब ये कटिंग भी मेरे सक्सेसफुली लग चुका है। यहाँ पर कुछ कोलियस के कटिंग है, यहाँ पर एक मोगरे के कटिंग है, ये भी लग चुका है। और यहाँ पर है मेरे बहुत पुराना एक बोगनवेलिया कटिंग, इसमें देखिए फ्लावरिंग भी होना अभी शुरू कर रहा है। तो ये मेरे पहले जो कटिंग ट्रे है इसमें जितने सारे प्लांट्स थे ऑलमोस्ट ये लग चुका है। और यहाँ पर है, यहाँ देखिए एक प्लूमेरिया पुदीका की कटिंग, ये भी लग चुका है। कि हालांकि लीव्स तो अभी नए से निकला नहीं है क्योंकि इसके अभी डोरमेंसी पीरियड्स चल रहे हैं, तो कुछ दिनों में इसमें भी नए से लीव्स निकलना चालू हो जाएंगे। और इस साइड पे मेरे जो दूसरे कटिंग की ट्रे है इसके अंदर कुछ बड़े बड़े से प्लांट्स है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ओलियंडर की एक बहुत पुराना कटिंग कितना बड़ा हो चुका है। 2 स्टेम जो निकला है वो भी बहुत ही बड़ा हो चुका है। और यहाँ पर और एक है ओलियंडर की कटिंग, ये भी लग चुका है। और यहाँ पर प्लूमेरिया पुदीका के एक कटिंग है, देखिए इसके लीव्स अभी झड़ रहे हैं येलो होकर क्योंकि इसके डोरमेंसी पीरियड्स चल रहे हैं अभी, जैसे कि मैं बताया। यहाँ पर और एक है प्लूमेरिया पुदीका की कटिंग, ये भी लग चुके हैं। यहाँ पर हिबिस्कस के कटिंग है और पीछे की साइड पे कुछ मोगरा कटिंग है, ये मेरे सब कटिंग लग चुका है। तो जो आप लगा रहे हो उसको ज्यादा मोटा स्टेम यूज मत कीजिए, थोड़ी सी पतला स्टेम हमेशा लिया कीजिए, इससे कटिंग्स बहुत ही जल्दी लग जाएंगे। और कटिंग्स जो आप ले रहे हो इसमें किसी प्रकार
रूटिंग हार्मोन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी कटिंग पे रूटिंग हार्मोन कभी भी यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ सैंड के अंदर मैं कटिंग को लगाता हूँ। एक बात का ध्यान रखिए कि आप जो सैंड इस्तेमाल कर रहे हो उसमें वाटरिंग आप हमेशा करते रहिए, क्योंकि सैंड में पानी बहुत ही जल्दी सूख जाता है। इसलिए आप हर दिन हो सके तो दिन में दो बार करके वाटरिंग किया कीजिए, इससे आपके कटिंग खराब नहीं होंगे। और एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो कटिंग की ट्रे है ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर दिन भर की सिर्फ एक से दो घंटे की डायरेक्ट धूप मिल पाए, इससे ज्यादा धूप ना मिले तो ही अच्छे है। जैसे कि मेरे जो कटिंग ट्रे है ये ऐसे जगह पे है, दोपहर के 12 से 1 बजे के बाद इसके ऊपर धूप आता है और 2:30 बजे के बाद धूप आना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी कटिंग लगाए तो आपके कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाएंगे और आप आने वाले फरवरी मार्च पे बहुत सारे कटिंग्स लगा सकते हो, क्योंकि मार्च में बहुत सारे प्लांट्स को प्रून किया जाता है, मतलब कटाई छटाई किया जाता है। तो उस समय आप हिबिस्कस, एलामोंडा, बोगनवेलिया, मोगरा जैसे प्लांट्स की कटिंग लगाइए और ढेर सारे प्लांट्स बना लीजिए आपके बिना किसी खर्च किए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।